और सियासी तलखियां दूर करने का मिशन। वजीर आला पंजाब से जहांगीर तरीन ने मुलाकात की। उस्मान बुजदार कहते हैं, मुल्क को कंगाल करने वालों की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। अपोजिशन जमातें खुद इंतशार का शिकार होकर बिखरी हुई हैं। जहांगीर तरीन ने इन हाउस तब्दीली और मिड टर्म इलेक्शन की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन की ऐवान-ए-वज़ीर-ए-आला में मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट के क्याम से मुतालिक अमूर पर भी मशावरत हुई। उस्मान बुज़दार का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने वाले पहले अपने दौर की लूटमार का हिसाब दें। मुल्क को कंगाल करने वालों की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। प्रोपेगेंडा करने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हम खोखले नारे नहीं लगाते बल्कि अमली इकदामात करते हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का मामला खुश असलूबी से हल हो जाएगा। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान की क्यादत में पाकिस्तान की सियासी तारीख की शिफाफ तरीन हुकूमत अवामी खिदमत में हमा वक्त मसरूफ है। अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं। अपोजिशन जमातें खुद इंतशार का शिकार होकर बिखरी हैं। इन हाउस तब्दीली आएगी, न मिड टर्म इलेक्शन होंगे।